ढाई लाख डिसेबिलिटी पर 25,000 इनकी, हमारे यहाँ महिलाओं के लिए 60% सब्सिडी है, एसटी के लिए भी 60%, एससी एसटी की सामान्य के लिए 40% है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने जो छूटे लोग थे उसमें भी एक योजना बनाई है, निषाद राज छोटे योजना है, उनके लिए इनके मछली के क्षेत्र में जो कुछ काम करना उसे देना होगा। और अभी मत्स्य संपदा प्रधानमंत्री प्रधान मत्स्य संपदा योजना, तो अभी हमारा विभाग काम कर रहा है धीरे धीरे, तो हमारे यहाँ कर्मचारी कम है, उनके लिए आउटसोर्सिंग के लिए डाला है, जल्दी से हो रहा है। पहली बार 70 साल में बजट मिला है, बजट में काम हो रहा है, मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, मैं बधाई दूँ मोदी जी को और मोदी जी को, उन्होंने इस मंत्रालय को अलग करके मत्स्य समुदाय के विकास को सोचा, कल्याण कोष की स्थापना भी, तो इनको यही समझाना था कि अपने बच्चों और इसके लिए हमारे यहाँ जो मछुआ कल्याण कोष है उसका उपयोग करो और उनके बच्चों की शिक्षा प्राप्त रोजगार के लिए, और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे विभाग से नाम है, हमारे विभाग से लोग आए थे। और निषाद पार्टी भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग देन द गार्ड पावर, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, तो महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनकी आबादी उनके हिस्सेदारी का वो भी राजनीतिक दल से ही संभव है। मैंने इसे कहा भाई टोपी झंडा उठाओ, अपनी समस्याओं का समाधान करो, आज इस तरीके से हमें आए आप भागीदारी लेने के लिए आओ, तो आगे 2024 में चुनाव है, उसके लिए हमने अपनी मेन पार्टी का युवा मोर्चा का गठन कर लिया था और इनका उनके संगठन को दुरुस्त कर लिया था, लेकिन महिलाओं के भी संगठन को दुरुस्त करना था, देखना था कि कितनी कैपेसिटी किसके अंदर है, कौन प्रदेश में काम कर सकती है, कौन क्षेत्र में काम कर सकती है, कौन मंडल कौन जिले में काम कर सकती है, और उन्हें गाइड भी करना था, क्योंकि आगे ट्रेनिंग जो होता है व्यक्ति के ज्ञान को आगे बढ़ाता है, और वो शरीर से काम करता है वो निर्बल है, जो दिमाग से काम करता है वो सबल है, तो इनके दिमाग का भोजन देना था, दिमाग में इनको ज्ञान देना था, दिमाग में जानकारी देनी थी कि भाई स्टेप बाय स्टेप, 4 साल पहले हमने इनको ज्ञान दिया था, 7 साल पहले, फिर हर साल होता है, इस साल का थोड़ा सा लिफ्टिंग हो गया, पहले हम लोग सड़क पर आवाज़ उठाते थे, इन्होंने अपने नेता को सदन में आवाज़ उठाने भेज दिया, तो सहकारिता इस विभाग में हमने मदद मांगी करो, तो आज प्रदेश से सभी महिलाएँ आई हैं, सभी कार्यकर्ताएँ हैं, पदाधिकारियाँ हैं, सहयोगी आए हैं, और आगे जिन्हें पद लेना वो भी आए हैं, और हर जाति की महिला आई हैं, और ये महिला मोर्चा का सम्मेलन था और इनकी आवाज़ें सुनी है, अभी इनकी तरफ से एक सम्मेलन में बात आती है, फिर उसके निराकरण होते हैं। देखिए अभी इनके लिए सिस्टम है, हम मेले किसके लिए लगाएं जो काम करें, तो काम करने के लिए पहले इंस्पायरेशन होना चाहिए, जब इंस्पायर्ड हो जाता आदमी तो काम करने आ जाता है, तो हमारे विभाग को लोगों ने कैसे देखते हैं, जब पोखरे जिंदे थे, ताल जिंदे थे, नदी जिंदे थे, मेरा समाज जिंदा था, उसे पिछली सरकारों ने नींद ऐसी बनाई मार दिया, अब उसे मोदी जी जिंदा कर रहे हैं, तो पोखरे ताल जिंदा कर रहे हैं, उसे करने दीजिए, तभी इनको हमने इंस्पायर्ड करने के लिए 20 तारीख को वेबिनार रखा है, पूरे प्रदेश के हर ब्लॉकों में, हर ब्लॉक के हाल में यहीं से वेबिनार होगा, 50-60 लोग पढ़ेंगे, उसके बाद 25 तारीख से लगातार इनकी ट्रेनिंग होगी, और 25 से ट्रेनिंग होगी और लगातार ट्रेनिंग होती रहेगी, और जो ट्रेंड लोग होंगे उनको अपने यहाँ रजिस्टर्ड करके उनको हम योजनाओं का लाभ देंगे, और आगे इनकी डिमॉन्स्ट्रेशन होगी, आगे ले जाकर पढ़ाएंगे, और फिर इनके लिए जो बीमा फ्री है उसको दिलाएंगे, क्रेडिट कार्ड भी अभी मैं धनबाद दूंगा रिजर्व बैंक को, कि उन्होंने हमारी बात सुन ली कि भाई जिसके पास खेती थी उससे तो क्रेडिट कार्ड मिलता था, मछुआरों को अंग्रेजों ने उजाड़ दिया था, उन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने बता दिया जिसके घर में जाल होगा, जिनके यहाँ मछली का व्यापार होगा, जो मछली के क्षेत्र में काम करते होंगे, भले उनके पास निजी संपत्ति नहीं होगी, उसको भी फिशरीज क्रेडिट कार्ड देंगे और 1,60,000 का लिमिट देंगे।